नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द एल सेक्शन। प्रॉब्लम था लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द एल सेक्शन हैविंग फ्लैंज 100 mm इंटू 20 mm एंड वेव 100 mm इंटू 20 mm एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ द एल सेक्शन इज द 120 mm। ऐसा प्रॉब्लम पूछा था और आपको सेंट्रॉइड लोकेट करना था एल सेक्शन का। अब एल सेक्शन हमारी जो मेन मेथड है, एल सेक्शन में क्या करते हैं, जो भी गिवन एक्सिस दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो हम रेफरेंस एक्सिस ड्रा करते हैं। हॉरिजॉन्टल में रेफरेंस एक्सिस और वर्टिकल में रेफरेंस एक्सिस। उस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करते, इस फिगर को ये नहीं दी लाइन हमने स्प्लिट अप किया, मतलब हमें दो रेक्टेंगल मिले, एक मिला हमें 100 इंटू 20 mm और दूसरा मिला 100 इंटू 20 mm। इस प्रकार से दो रेक्टेंगल मिले। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्प्लिट अप करने के बाद नेमिंग करेंगे, वन नंबर इस फिगर को दिया, इसमें 100 इंटू 20 mm इसका डायमेंशन रहेगा और ये वेव रहेगी, इसे वेव कहते हैं और ये है फ्लैंज एल सेक्शन में, तो फ्लैंज का डायमेंशन हो जाएगा 100 इंटू 20 mm। अब ये हो जाने के बाद हम इसे रफ में ऐसी फिगर ड्रा करते हैं, जहां पर भी है जितनी दूरी पे है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से और वर्टिकल एक्सिस से, उस प्रकार से हम फिगर ड्रा करते हैं। तो 20 mm दूरी पे, ये मतलब एक्स एक्सिस से 20 mm दूरी पे ऊपर में ये रेक्टेंगल आएगा 100 इंटू 20 का, तो इसका एरिया हो जाएगा ए वन 100 इंटू 20 मतलब 2000 mm स्क्वायर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो वाई एक्सिस से आधा आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस, 20 का हाफ डिस्टेंस मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2 एक्स वन होगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी ले रहे, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मतलब वन नंबर फिगर है तो वाई वन हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस से मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो 20 ऊपर जाना पड़ेगा पहले और बाद में 100 का डिवाइड होगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 70 mm हो जाएगा। अब सेकंड नंबर की फिगर वैसे ही हम रफ में और ड्रा करते हैं, रेफरेंस एक्सिस के साथ जो भी पोजीशन होगी उस फिगर की वहां पर ड्रा करेंगे, गलतियां नहीं होती। 100 इंटू 20 mm ये ऐसी रहेगी, एक्स एक्सिस इसका वाई एक्सिस से हाफ डिस्टेंस रहेगा और यहां से 20 का हाफ डिस्टेंस रहेगा, मतलब इस फिगर का एरिया निकालते समय 100 इंटू 20 तो 100 इंटू 20 यानी 2000 mm स्क्वायर होगा इसका एरिया A2 और H2 ए एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये सेकंड नंबर फिगर के लिए, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। अब जो अब भी हम एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में सोचते हैं तो हमें वाई एक्सिस से ही ड्रा करना पड़ता है, वाई एक्सिस से ही हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिड पॉइंट देखना पड़ता है, तो H2 होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 और Y2 यानी एक्स एक्सिस रेफरेंस एक्सिस से हमें ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर जाना बोले तो वर्टिकल डिस्टेंस हाफ ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस ये 20 का डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10 mm। अब हम ये जो भी एल सेक्शन बना रहे हैं इसका दोनों फिगर का अलग अलग हमने एरिया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ये निकाले हैं, उसके बाद में लेट एक्स बार एंड वाई बार बी द आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस एल सेक्शन। अब एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू। अब वैल्यू पुट अप करो तो ए वन की वैल्यू मतलब 2000, एक्स वन है 10 प्लस ए टू है 2000 और एक्स टू है 50 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 2000, तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर 30 mm। मैं यहां पर लिखता हूं इसका आंसर रहेगा 30 mm। वैसे ही वाई बार का फॉर्मूला होगा, वाई बार इक्वल टू ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू, ये फॉर्मूला है इसका। और 2000 ए वन है 2000 वाई वन है 70 प्लस ए टू 2000 और वाई टू 10 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 2000, तो इसका आंसर आएगा वाई वन इक्वल टू 40 mm
इस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के दोनों निकल गए हैं, ये है 30 mm और 40 mm। अब ये 30 mm और 40 mm निकल जाने के बाद इस फिगर में, ये सेक्शन में आपको लोकेट करके बताना है, तो एक्स बार जो डिस्टेंस रहेगा वाई एक्सिस को पैरेलल ड्रा करना पड़ेगा आपको, इसे सिमेट्री एक्सिस करके सिमेट्री लाइन कहते हैं। तो ये ड्रा किया मैंने एक्स बार, ये 30 mm यहाँ पे शो किया है, वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये सिमेट्री लाइन रहेगी, सिमेट्री एक्सिस बोलेंगे इसे, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी और वाई बार डिस्टेंस यहाँ पे शो करेगी। ये प्रोपोर्शनल फिगर ड्रा करने के बाद ये वाई बार यहाँ पे 40 mm आएगा और इस तरीके से दोनों सिमेट्री लाइन का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा हमारा रहेगा सेंट्रॉइड, ये होगा हमारा जी। तो एक सेक्शन का सेंट्रॉइड इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किए और लोकेट किए हैं। आपको ये वीडियो, ये प्रॉब्लम समझ में आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।